मॉडल के जरिए बच्चों को पढ़ाने के लिए मशहूर प्राथमिक विद्यालय हरुण गला द्वितीय के प्रधानाध्यापक जाकिर हुसैन का एक और मॉडल अब धमाल मचाए हुए है। जाकिर हुसैन ने बच्चों को बगैर सूत्र या फार्मूला के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों एक साथ एक मिनट में हल करना सिखाया है। ये मैंने क्वेश्चन लिया है, ये मैंने प्रश्न लिया है, और ऊपर करो थोड़ा। ये मैंने प्रश्न लिया है, 10,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें 3 वर्ष का है, इसी मॉडल से हम 2.5 वर्ष का भी निकाल सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना लंबा आया है। साधारण ब्याज निकाला मैंने, ये 3,000 रुपया आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया तुम्हारा 3,310। इस मॉडल की खासियत यह है कि दोनों चीजें एक साथ कैसे निकलेंगी, वो भी एक मिनट में। देखो मैं समझाता हूं, आप ऊपर कर लो। तो सबसे पहले इसमें है मूलधन, मूलधन है 10,000 रुपया। कितना है? 10,000। बोलो मत ज्यादा, 10,000। 10,000 रुपया है मूलधन, वो दिखाओ। तो ये मूलधन का कॉलम है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 10% इसमें दर कितनी दी है, 10%। कितनी दी है? 10% दर दी है इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 10,000 रुपए का हमने क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे तो 1,000 आता है। कितना आता है? 1,000। तो 10% हमने निकाला और इस कॉलम में ये एरो लगा है, यह निकाल दिया, इसका एरो लगा है 10% आया 1,000। कितना आया? 1,000। कितना आया? 1,000। तो देखो 1,000 वाला हमने इसमें रख दिया। देखिए ये कॉलम फिट, ये तो हो गया पहली साल का ब्याज। अब देखो दूसरी साल का भी 1,000 होगा, तीसरी साल का भी 1,000 होगा। ये पहली साल का हो गया साधारण ब्याज, ये दूसरी साल का होगा, ये तीसरी साल का होगा, क्योंकि हम 3 साल का इसमें निकाल रहे हैं। इस क्वेश्चन में 3 साल का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये 10%, 10,000 रुपए का 10% निकाला तो 1,000 पहली साल का, दूसरी साल का 1,000, तीसरी साल का 1,000। अब देखिए 10% हम फिर निकालते हैं, क्योंकि 3 साल है हमने, यानी इसमें क्वेश्चन में दी हुई है 3 साल है। तो 1,000 रुपए का 10% देखो हमने निकाला है तो आया 100 रुपया। कितना आया? 100 रुपया। तो 100 रुपये वाला ये एरो लगा है, 10% निकाला किसका, 1,000 रुपए का, तो 100 रुपया। ये हो गया पहली साल का। अब दूसरी साल का क्या होगा, इसका दुगना हो जाएगा, वो हो गया 200 रुपया। कितना हो गया? 200 रुपया। अब देखिए फिर हम 10% निकालेंगे, क्योंकि 3 साल का निकालना है, पहली साल का, दूसरी साल का, तीसरी साल का हम निकाल रहे हैं। 10% किसका निकालेंगे? 100 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 100 का। 100 का 10% देखो कितना हो गया, 10 रुपया। कितना होगा? ये हमने 10 रुपया हो गया 100 का। तो 100 का, इस 100 का ये 10 रुपया हो गया। समझ में आ गया यहां तक? अब हम क्या कर रहे हैं, साधारण ब्याज कैसे आएगा, जो इसमें मैंने इतने लंबे मेथड से निकाला है वो देखिए 2 मिनट में आ गया। इसको जोड़ लीजिए, 1,000, 1,000, 1,000, कितने हो गए? 3,000। ये आ गया तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट। क्या आ गया? साधारण ब्याज निकल के आ गया 3,000। 1,000, 1,000, 1,000, ये हो गया 3,000। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम क्या करेंगे, इसको तीनों को जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इन सारे कॉलम को जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देखिए 3,000, 1, 2, 3, 3,000 ये हो गया, 100 ये, 200 ये, 300 हो गए। 100 और 200 कितने होते हैं? 300। और 10 ये, इन सबको जोड़ा हमने, 300 जोड़े और 10 जोड़े, तो कितना आंसर आया? 3,310। कितना आया? 3,310। पूरा मॉडल समझ में आ गया सब लोगों के? Yes, sir। अब आप ये भी देख लो कि जब हमने इससे निकाला तो 3,310 इससे भी आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, और साधारण ब्याज आ रहा है 3,000। कितना आ रहा है? 3,000 रुपया। लेकिन कितना लंबा प्रोसेस है, और इससे कितना आसानी से एक मिनट में तुम्हारा आंसर आ गया। कैसा लगा आप लोगों को बच्चों? अच्छा लगा सबको? Yes, sir।
वेरी गुड।